डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दादी माँ की बगिया। फ्रेंड्स, ये मिली बग इतनी ज्यादा लग गई है इसमें पौधे में, तो क्या करना चाहिए। पहले तो हम इसका इलाज करते रहे, लेकिन क्या है, ये इस पूरे पेड़ में इतनी बुरी तरह से लग गई है कि अब ये निकलने वाली नहीं, और इसके साथ साथ में दूसरे भी जो प्लांट हैं वो भी खराब हो जाएंगे। तो अब इस मजबूरी हो जाती है कि इस प्लांट को ही निकाल दें और इस गमले को हम मिट्टी धूप में डाल दें, जिससे दोबारा और फिर उसमें कीटनाशक कुछ पाउडर मिला के और दोबारा इस बैग को भर के फिर रिपोर्टिंग बैगन की कर देंगे। लेकिन अब ये रखना संभव नहीं है। देखिए, बुरी तरह से लदा हुआ है और इसमें तरह तरह के मैंने कीटनाशक डाले हैं, लेकिन इस प्लांट को बचा नहीं पाए। तो कभी कभी ऐसी मजबूरी आ जाती है, ये दिखाना चाहते हैं, कभी कभी ऐसी मजबूरी आ जाती है कि कोई किसी किसी गमले में कुछ गलतियां हो जाती मिट्टी भरने में, और इस तरह से ये मिली बग पकड़ लेती है और फिर ये पेड़ को नष्ट कर देती है और आसपास जितने भी पेड़ होते हैं उनको भी बर्बाद कर देगी। इसलिए पहले या तो इसमें पहले ही शुरुआत में ही देख लो। इस बार मैंने शुरुआत में नहीं देख पाया क्योंकि मेरे आंख का ऑपरेशन होना था। तो ये जिन प्लांट में ये मिली बग लगी थी इतनी ज्यादा विषा हो गई कि अब इनको पौधों को ही निकालना पड़ेगा। और देखिए, आज मेरी मिर्ची का प्लांट आप देख लीजिए, ये देखिए किस तरह से मिर्चियां इसमें लगी हुई हैं। तो वही मिट्टी है, भरने का वही तरीका है, लेकिन कभी कभी कुछ कारण बस किसी किसी प्लांट में इतना ज्यादा परेशानी हो जाती है कि फिर उसको निकालना ही संभव है, नहीं तो और कोई चारा नहीं है इसके सामने। और वो हमारे और भी प्लांटों की जिस तरह से मिर्चियां लगी हुई है, कहीं इधर आ गई तो ये हमारे प्लांट भी खराब कर देगी। इसलिए अब इसको हम उठवा के निकलवा रहे हैं। हार्वेस्टिंग कर लीजिए, मिर्ची की हार्वेस्टिंग करेंगे करेंगे मिर्ची की हार्वेस्टिंग करेंगे, गिलहरियां खा लेंगी। चलो ठीक है, कर ले, पहले वो गमला हटाओ फिर ये करेंगे। देखो इसमें भी ये रखा था, इसमें पत्ते झड़ गए, हमने कहा था इसके बगल मत रखना, हटाओ। चलो, तो इस तरह से इस गमले को ले जाके हम डाल दो। मतलब बैंगन तोड़ लेना पहले, ये प्लांट निकालो, नहीं तो इसकी सारी मिट्टी खराब हो जाएगी, पलट दो। तो इस तरह से अब इसको हम धूप में पलट देंगे। अगर स्टार्टिंग में ही आप देख लो तो उस प्लांट को रोग मुक्त कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो बाद में तो फिर ये हालत हो जाती है। देखिए, और इसने दूसरे भी है जो इसके बगल में प्लांट थे उनको भी इसने दूषित कर दिया, उनमें भी लग गए हैं। तो इस तरह से हम इस मिट्टी को और इसको प्लांट को, ये खाली प्लांट है, इसमें फेंके दे रहे हैं। और ये मिट्टी मैंने सूखने को डाल दी है, अब इसमें दो तीन दिन छोड़ देंगे इसको सूखने के लिए। और इसमें मैं कीटनाशक पाउडर मेरे पास है वो डाल के और इसको फिर मैं गमला भरूंगी, ग्रो बैग भरूंगी। तो बस यही बताना था कि कभी कभी ऐसा रोग लग जाता है कि आपको प्लांट बचाना मुश्किल पड़ जाता है। कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे कोई भी मेरा नया वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। फिर एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।